बहुत सारा नया ब्लॉग से लेके बहुत ही यूनिक टाइप के फ्लावर तक। और बताओ कैसे हो? तो माइनक्राफ्ट के अंदर भाई बहुत सारा नया आइटम आने वाला है, सारा का सारा डिटेल में देखेंगे। तो चलो जी भैया आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखो सारा का सारा फीचर्स हम लोग माइनक्राफ्ट के बेडरॉक एडिशन के अंदर टेस्ट करने वाले, क्योंकि माइनक्राफ्ट के बेडरॉक एडिशन में एक लेटेस्ट बीटा वर्जन आ चुका है। इसका नाम है भाई 1.21.50.25। लेट्स गो। अपना पहले नंबर का फीचर है भाई रेज इन क्लाम्स। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर रेज इन क्लाम्स कुछ ऐसा दिखने वाला है। ये बेसिकली एक मल्टी फेस ब्लॉक होने वाला है, मतलब हम लोग रेज इन क्लाम्स को भाई किसी भी ब्लॉक के कोई भी साइड में लगा सकते हैं। लेकिन ये मिलेगा कहाँ पे? देखो रेज इन क्लाम्स अपने को मिलने वाला पेल गार्डन बायोम के अंदर। बेसिकली अगर हम लोग क्रीकिंग हर्ड को तोड़ेंगे तो फिर अपने को रेजिन क्लाम्स मिलने वाला है। लेकिन मेरे भाई यही पे खत्म नहीं होता है, रेजिन क्लाम्स उठाने का एक और तरीका भी है। बेसिकली माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट वर्जन के अंदर क्रीकिंग हर्ड भी रेजिन क्लाम्स क्रिएट कर सकता है। देखो ये तो हम सबको पता है, माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हम लोग क्रीकिंग के ऊपर हमला करते हैं तो फिर क्रीकिंग को जरा सा भी डैमेज नहीं मिलता है। लेकिन माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट वर्जन के अंदर अगर हम लोग क्रीकिंग के ऊपर हमला करते हैं तो फिर खुद ब खुद भाई क्रीकिंग हर्ड के आसपास रेजिन क्लाम्स आना चालू हो जाता है और ये रेजिन क्लाम्स भाई फैलता ही जाता है। मतलब क्रीकिंग को जितना डैमेज मिलता है उतना रेजिन क्लाम्स आता है। मजे की बात ये है कोई भी ब्लॉक के ऊपर भाई रेजिन क्लाम्स स्प्रेड हो सकता है। देखो फिलहाल हम लोग रेजिन क्लाम्स को भाई किसी भी टूल का इस्तेमाल करके तोड़ सकते हैं। इनफैक्ट रेजिन क्लाम्स भाई हाथ से ही टूट जाता है। रेजिन क्लाम्स एज ए आइटम भाई कुछ इस तरीके का दिखता है, बिल्कुल रॉ गोल्ड एंड रॉ आयरन की तरह। मजे की बात ये है रेजिन क्लाम्स हम लोग किसी भी ब्लॉक के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। क्राफ्टिंग टेबल का इस्तेमाल करके कुछ इस तरीके से हम लोग ब्लॉक ऑफ रेजिन भी बना सकते हैं। देखो ब्लॉक ऑफ रेजिन दिखने में कुछ इस तरीके का होता है और तो रेजिन ब्लॉक के अंदर एक अलग तरीके का साउंड भी देखने को मिलता है कुछ इस तरीके का। हालांकि ब्लॉक ऑफ रेजिन का इस्तेमाल करके हम लोग कुछ भी क्राफ्ट नहीं कर सकते। देखो रेजिन क्लाम्स का एक और बेहतरीन यूज भी देखने को मिलता है। बेसिकली रेजिन क्लाम्स का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी आर्मर को ट्रिम कर सकते हैं भाई। ये बेसिकली माइनक्राफ्ट के अंदर ऑरेंज आर्मर ट्रिम होने वाला है। और तो रेजिन का कोई भी आइटम बनाने के लिए हम लोग को पहले रेजिन क्लाम्स को फर्नेस के अंदर पकाना पड़ता है। रेजिन क्लाम्स को फर्नेस के अंदर पकाने के बाद अपने को मिल जाता है भाई रेजिन ब्रिक्स। अब ये एक यूनिक आइटम होने वाला है क्योंकि रेजिन ब्रिक्स का इस्तेमाल करके हम लोग रेजिन ब्रिक्स ब्लॉक भी बना सकते हैं। देखो रेजिन ब्रिक्स ब्लॉक दिखने में कुछ इस तरीके का होता है और इसके अंदर भी एक अलग तरीके का साउंड देखने को मिलता है। ये बेसिकली नॉर्मल ब्रिक्स ब्लॉक है लेकिन ऑरेंज कलर में। देखो रेजिन ब्रिक्स ब्लॉक का इस्तेमाल करके हम लोग रेजिन ब्रिक्स स्लब स्टेयर एंड वॉल भी बना सकते हैं। लेकिन इनमें से सबसे क्रेजी आइटम है भाई चिजल्ड रेजिन ब्रिक्स। ये वाला यूनिक ब्लॉक दिखने में कुछ इस तरीके का होता है। देखो दूसरा चिजल्ड ब्लॉक की तरह इस वाले ब्लॉक के अंदर भी एक मॉब का फेस देखने को मिलता है। जी हाँ, क्रेक किंग। देखो कुछ भी कहो, मेरे को तो ये वाला ब्लॉक बहुत ही ज्यादा मस्त लगा। लेकिन मजे की बात ये है ये सारा का सारा रेजिन ब्लॉक भाई इतना ज्यादा ऑरेंज है कि लावा सारा का सारा रेजिन ब्लॉक के साथ बड़ा ही शानदार तरीके से ब्लेंड हो जाता है। लेकिन मेरे भाई रेजिन ब्लॉक का जलवा इधर ही खत्म नहीं होता है। माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट बीटा वर्जन के अंदर रेजिन ब्लॉक का इस्तेमाल करके हम लोग क्रीकिंग के हर्ड बना सकते हैं भाई। जी हाँ, क्रीकिंग के हर्ड को अभी हम लोग क्राफ्ट कर सकते हैं। अपने को बस दो पेल ओक के लॉग लेना है एंड एक रेजिन वाला ब्लॉक लेना है, काम खत्म भाई। ये बन चुका है अपना क्रीकिंग हर्ड। और ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करेगा भाई, अगर हम लोग रात को यही वाले ब्लॉक का इस्तेमाल करते तो ये भाई क्रीकिंग को स्पॉन कर सकता है। और दौर ये वाला क्रीकिंग हर्ट भाई नॉर्मल क्रीकिंग हर्ट की तरह रेजिन भी बना सकता है। अपना अगला फीचर भी क्रीकिंग हर्ट से ही आ रहा है। माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट बीटा वर्जन के अंदर क्रीकिंग हर्ट में भी काफी सारा चेंजेस देखने को मिला है। देखो ये तो हम लोगों ने देख लिया है, क्रीकिंग हर्ट अभी रेजिन क्लाम्स भी ड्रॉप करने वाला है। लेकिन मजे की बात ये है नेचुरली स्पॉन क्रीकिंग हर्ट को तोड़ने पे अभी हम लोगों को रेजिन क्लाम्स के साथ साथ एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलने वाला है। जी हाँ, क्रीकिंग हर्ट अभी एक्सपीरियंस पॉइंट भी देने वाला है। लेकिन इधर एक ट्विस्ट है मेरे भाई। देखो नॉर्मल तो ठीक है, लेकिन अगर हम लोग सिल्क टच टूल का इस्तेमाल करके क्रीकिंग हर्ट को तोड़ते हैं तब भी क्रीकिंग हर्ट भाई एक्सपीरियंस पॉइंट ड्रॉप करता है। ये मेरे को सबसे बढ़िया फीचर लगा भाई। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरली स्पॉन क्रीकिंग हर्ट के साथ ही काम करता है। अगर हम लोग क्रीकिंग हर्ट को क्राफ्ट करते हैं तो फिर उससे हम लोग को एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिलता है। देखो क्रीकिंग हर्ट के साथ साथ क्रीकिंग में भी काफी तगड़ा चेंजेस देखने को मिला है। बेसिकली क्रीकिंग का भागने का जो एनिमेशन था वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। क्रीकिंग अभी कुछ इस तरीके से भागता है और क्रीकिंग का अटैक करने का एनिमेशन भी चेंज हो चुका है। अभी क्रीकिंग कुछ
इस तरीके से अटैक करता है। लेकिन सबसे क्रेजी एनिमेशन जो देखने को मिला है वो है भाई क्रीकिंग का मरने का एनिमेशन। जी हाँ, अगर हम लोग क्रीकिंग के हड को तोड़ देते तो फिर क्रीकिंग भाई तुरंत नहीं मरता है। क्रीकिंग अपने बॉडी को कुछ इस तरीके से हिलाता है एंड देन मर जाता है भाई। वाओ, क्या एनिमेशन है ये। साउंड के साथ एनिमेशन बिल्कुल फिट हो रहा है भाई, क्या क्रेजी लग रहा है ये। यही पे खत्म नहीं होता है, क्रीकिंग का जो डैमेज है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है। देखो ये तो बस शुरुआत है, अभी खतरनाक फीचर्स तो आने वाला है। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट कर दो यार, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करो यार, इसी साल 100 के करना है प्लीज करवा दो। खैर अपना नेक्स्ट वाला फीचर है भाई आई ब्लॉसम फ्लावर। जी हाँ, माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट बीटा वर्जन के अंदर एक ब्रांड न्यू फ्लावर भी ऐड हुआ है। ये वाला फ्लावर बेसिकली हम लोगों को पेल गार्डन बायोम में मिलने वाला है। आई ब्लॉसम बायोम का बेसिकली दो वेरिएंट होने वाला है, एक है भाई ओपन और दूसरा है भाई क्लोज्ड। देखो बेसिकली ओपन आई ब्लॉसम फ्लावर कुछ इस तरीके का दिखता है और क्लोज्ड आई ब्लॉसम फ्लावर कुछ इस तरीके का दिखता है। देखो आई ब्लॉसम फ्लावर का खासियत ये है, ये बेसिकली एक बिल्कुल ही अलग स्टाइल का फ्लावर है। ये वाला फ्लावर और भाई खुद ब खुद ओपन होता है और खुद ब खुद क्लोज होता है। जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे भाई। और तो और मजे की बात ये है, ये वाला फ्लावर भाई एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करता है। मतलब मान लो अगर दो फ्लावर ओपन है एंड एक फ्लावर क्लोज है तो फिर ये लोग आपस में बातचीत कर लेते और तीसरा फ्लावर भी ओपन हो जाता है। कर लो बात, अलग ही सिस्टम है इनका तो। और तो और यही पे खत्म नहीं होता, इस वाले फ्लावर का एक और खासियत भी है, बेसिकली रात को ये वाला फ्लावर भाई ओपन हो जाता है और दिन में भाई ये वाला फ्लावर खुद खुद बंद हो जाता है। काफी ज्यादा अलग ही स्टाइल से काम करता है ये वाला फ्लावर। देखो ओपन आई ब्लॉसम फ्लावर का एक और खासियत ये है, ये भाई रात को ग्लो करता है। जी हाँ, लाइट नहीं देता है लेकिन ग्लो करता है भाई। और तो और पेल गार्डन बायो में अगर हम लोग ग्रास ब्लॉक के ऊपर बोन मिल का इस्तेमाल करते तो फिर दोनों टाइप के फ्लावर देखने को मिल जाता है। और तो और बेडरॉक एडिशन एक्सक्लूसिव फीचर, दोनों फ्लावर के ऊपर अगर हम लोग बोन मिल का इस्तेमाल करते हैं तो फिर दोनों के दोनों फ्लावर भाई डुप्लीकेट हो सकता है। खैर आई ब्लॉसम फ्लावर का जलवा इधर ही खत्म नहीं होता है, हालांकि बाहर से हम लोगों को पता नहीं चलता है लेकिन ये वाला आई ब्लॉसम फ्लावर भाई एक्चुअली में पॉइजनस होता है। क्योंकि माइनक्राफ्ट के इस वाले वर्जन के अंदर अगर 20 भाई आई ब्लॉसम फ्लावर के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है तो फिर उसके ऊपर पॉइजन लग जाता है भाई। दोनों आई ब्लॉसम फ्लावर का इस्तेमाल करके हम लोग सस्पिशियस 2 भी बना सकते हैं। अगर हम लोग ओपन आई ब्लॉसम फ्लावर का इस्तेमाल करके सस्पिशियस 2 बनाते एंड देन उसको पी लेते तो फिर अपने ऊपर भाई ब्लाइंडनेस वाला इफेक्ट लग जाता है। लेकिन अगर हम लोग क्लोज आई ब्लॉसम फ्लावर के साथ सस्पिशियस 2 को बनाते एंड देन उसको पी लेते तो फिर हमारे ऊपर नौजिया लग जाता है भाई। और दर आई ब्लॉसम फ्लावर से हम लोग डाई भी बना सकते हैं। ओपन आई ब्लॉसम फ्लावर का इस्तेमाल करके हम लोग ऑरेंज डाई बना सकते हैं। क्लोज आई ब्लॉसम फ्लावर का इस्तेमाल करके हम लोग ग्रे डाई बना सकते हैं। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। माइनक्राफ्ट के अंदर फूड का रैंक देखना है तो इस वाले वीडियो को चेक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।